अंचल के पत्रकार एक हुए। जिला पत्रकार महासंघ के बैनर तले सभी ग्रामीण क्षेत्र के पत्रकार निष्पक्ष पत्रकारिता और पत्रकारिता में आने वाली कठिनाइयों के लिए एक मंच में साथ आए और अपनी पत्रकारिता की समस्याओं को समाज और पत्रकारों के सामने मंच के द्वारा लाए। पत्रकार कमलेश स्वर्णकार से ग्रामीण क्षेत्र के पत्रकारों ने मुलाकात की। राजनांदगांव के अंबागढ़ चौकी से ट्रिपल पी न्यूज की रिपोर्ट। जिला पत्रकार महासंघ जिला अध्यक्ष कमलेश भी हमारे साथ में हैं। उनसे सीधी बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि मोगरा आए हैं तो कैसा महसूस कर रहे हैं और अपनी क्या बात रखना चाहेंगे वो। कमलेश भैया, जिला पत्रकार महासंघ के सभी पत्रकार साथी आज एक बैठक अंबागढ़ चौकी में रखी गई थी। पत्रकारों के ऊपर कोई भी दुख संकट की घड़ी में पूरा संघ इनके साथ बात हो। मैं चाहता हूं कि जिला लेवल पर ही पत्रकारों का आवास का बात उठती है और जिले लेवल तक ही ख़त्म हो जाती है। ब्लॉक में जो हमारे पत्रकार साथी आज जो किराए के मकान में रह रहे हैं, जो विकट परिस्थिति का सामना करते हुए सोचते हैं और हमेशा पत्रकार के हित में ही लड़ते हुए मैंने देखा है आज तक। आज उन्होंने मोंगरा हमें लाया, मैंने पहली बार मोंगरा आया और यहाँ के मनोरम दृश्य को देखकर मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। जिले के पत्रकार साथी का एक अलग से संगठन हो और उस संगठन के किसी भी व्यक्ति को, किसी भी पत्रकार को अगर किसी भी प्रकार की दुविधा, असुविधा या फिर किसी भी प्रकार का घटना, दुर्घटना सामना करना पड़े तो हम सब पत्रकार भाई जिले के वो एक। ये देखें कि ग्रामीण क्षेत्र के पत्रकार कई दुविधा में फंसे रहते हैं, आवाज़ वहीं तक सीमित हो जाती है, हमारा साथ कोई नहीं देता। लेकिन जो अभी कमलेश भैया जो कदम उठा रहे हैं और इसमें कमलेश भैया द्वारा ये बताया गया कि आप किसी भी संघ में रहो, कोई वो नहीं है, कोई किसी कोई शिकायत नहीं है। लेकिन एक राजनांदगांव जिला में एक महापत्रकार संघ होगा, जिला पत्रकार संघ, उसमें कोई भी संघ का व्यक्ति आके जुड़ सकता है। ग्रामीण क्षेत्र के पत्रकारों से मेरा निवेदन है कि आप इस संघ से जुड़ें और आप खुद देखिएगा कि संघ किस तरीके से आपकी मदद करता है। रही बात इनका, अभी अपन जिला स्तर पर महासंघ की बात कर रहे हैं, इसमें मैं चाहूँगा कि ये बहुत अच्छा मतलब वो है, पहल है, बहुत अच्छी पहल है और ये होनी चाहिए। इससे और हम पत्रकार साथियों को मजबूती मिलेगी और संबल प्राप्त होगा। एक टीम बनाए काम कर रहे हैं, इस पे क्या बोलेंगे? और मगर तो आप पहली बार आप देख रहे होंगे कैमरे के सामने पत्रकार मांग कर रहे हैं। जो लोगों की मांग उठाते हैं और सरकार तक पहुंचाते हैं वो पत्रकार पहली बार कुछ मांग रहे हैं। उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है कि पत्रकार हरदम विपक्ष में रहता है। सत्ता चाहे भाजपा की हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे आप पार्टी की हो, वो सदैव जो पीड़ित रहता है उसकी लड़ाई लड़ता है। तक अगर पत्रकारिता सीमित रहेगी तो सिर्फ शहरी व्यक्तियों की समस्याएं मुख्यालय और प्रदेश के पेपरों में और देश के पेपरों में छपेगी। कोशिश हमारी ये रहती है कि हम जो जैसे हम न्यूज़ करने के लिए जाते हैं तो लगभग समय होता ये है कि जो अधिकारी जो होते हैं, अब तो नक्सल इलाकों में भी आप लोग हैं जी, जी पूरा नक्सल इलाका है चारों तरफ जी, होता ये है कि हम जब आउट इलाके पे होते हैं तो जाने की जो सुविधाएं होती है उसमें दिक्कत आती है। सेकेंडरी ये होता है कि कम्युनिकेशन गैप हो जाता है हमारा। हम जिस अधिकारी से मिलना चाहते हैं वो अधिकारी बाइट देने से मना कर देते हैं, बोलते हैं कि हमको अथॉरिटी नहीं है बाइट देने की, आप जिला मुख्यालय से बात करें ऐसा करके। अगर वो सपोर्ट हमको जिले से मिल पाएगा तो एक बेहतर हो पाएगा हम लोगों के लिए। तो हमारा सेंसिटिव इलाका है, चुड़िया में हम लोग रहते हैं और अंदर जंगल में जो है ना बहुत तो सेंसिटिव जगह होती है, तो ये कम से कम हम लोग की सुरक्षा के लिए एक बीमा वाला भी ऐसे भी कोई सरकार करे तो उसमें भी हम लोग को अच्छा लगेगा, हमारे परिवार सेफ हो जाएंगे। जान लगाते ही हैं। जिला पत्रकार महासंघ के जिला अध्यक्ष कमलेश भी हमारे साथ में हैं। उनसे सीधी बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि मोगरा आए हैं तो कैसा महसूस कर रहे हैं और अपनी क्या बात रखना चाहेंगे वो। कमलेश भैया, जिला पत्रकार महासंघ के सभी पत्रकार साथी आज एक बैठक अंबागढ़ चौकी में रखी गई थी और उस बैठक का एक उद्देश्य ये था कि हमारे जिले में जितने भी आंचलिक पत्रकार साथी हैं, ब्लॉक के पत्रकार साथी हैं, उनके बीच एकता स्थापित हो, एकता बनी रहे और किसी भी प्रकार से पत्रकारों के ऊपर कोई भी दुख संकट की घड़ी में पूरा संघ इनके साथ खड़ा रहे और जो भी मदद पत्रकारों की सुरक्षा से संबंधित हो, पत्रकारों के लिए चाहे आवास का कार्यक्रम हो, पत्रकारों को कहीं मकान की बात हो,
प्रेस भवन की बात हो, मैं चाहता हूं कि जिला लेवल पर ही पत्रकारों का आवास का बात उठती है और जिले लेवल तक ही ख़त्म हो जाती है। ब्लॉक में जो हमारे पत्रकार साथी आज जो किराए के मकान में रह रहे, जो विकट परिस्थिति का सामना करते हुए भी जो बेचारे, मतलब जिनका खुद का भी मकान नहीं है, ऐसे लोगों को भी अपन ब्लॉक स्तर पर एक मकान उपलब्ध कराया जाए, ज़मीन उपलब्ध कराया जाए और उनके लिए भी कम से कम एक आवास, ताकि वो अपने मान सम्मान और स्वाभिमान से जी सके। इन्हीं सब उद्देश्यों के लिए मैं आज सब पत्रकार साथियों के से मिलने के लिए आया हुआ हूँ। तो पत्रकार साथियों का एक ये था कि चलो आप थोड़ा सा मोंगरा भी घूम लो, वहाँ का भी प्राकृतिक नज़ारा, वहाँ का भी परिदृश्य बहुत अच्छा है। तो उनके साथ मैं अभी मोंगरा आया हूँ और मोंगरा में ही खड़ा हूँ और देख रहा हूँ बहुत अच्छा वातावरण है। मोंगरा पहुँचने के बाद ऐसे ही आदमी का मनोबल और प्रफुल्लित मन हो जाता है, क्योंकि यहाँ का दृश्य बहुत मनोहरम दृश्य है। हमारे साथ दिलीप भैया भी हैं। दिलीप भैया, पहली बात तो जैसे कमलेश भैया ने बताया उस पर बताएंगे आप कैसा वो मीटिंग में कैसा क्या रहा और मोंगरा के बारे में। जी, बहुत ही अच्छा कदम है कमलेश भाई का, जिन्होंने पत्रकारों के बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं और हमेशा पत्रकार के हित में ही लड़ते हुए मैंने देखा है आज तक, चूँकि मैं आज 6-7 सालों से जुड़ा हुआ हूँ। और कमलेश भाई जहाँ भी जैसा भी स्थिति परिस्थिति होता है उनको हम याद करते हैं तो निश्चित वहाँ पर पहुँच करके हर प्रकार से हमें मदद करने का प्रयास करता है, लाइनअप करता है, चाहे अधिकारी की बात हो, चाहे पत्रकार साथियों की बात हो, चाहे लड़ाई की बात हो पत्रकारों के संबंध में। हमने उनके साथ देखा है और आया भी है और आज भी महसूस करते हैं कि जिस मुहिम को लेकर के चल रहे हैं कहीं ना कहीं हम उनके साथ हैं और ऐसे ही साथ की ज़रूरत है। हम सब पत्रकार साथी इस तरह एक हो जाएं तो निश्चित है हमारे को किसी भी तरह से कोई परेशानी या कोई दिक्कत नहीं आएगी भविष्य में भी, ऐसा हमारा उद्देश्य है भाई जी का। और उसी उद्देश्य को लेकर के आज भी चौकी में आए और भाई जी के चौकी वाले पत्रकारों से भी मेरा अच्छा पूर्व से परिचित भी हूँ और अच्छा लगा कि आज उन्होंने मोंगरा हमें लाया। मैंने पहली बार मोंगरा आया और यहाँ के मनोरम दृश्य को देखकर मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ आप लोगों को। और साथ साथ यह पावन धरा और पावन जल जो है राजनांदगांव की धरती पे जाती है, वहाँ के सारे लोगों को यह पानी जो है जीवन के रूप में उनके पहुँचता है और इसी पानी को लेकर के राजनांदगांव के पवित्र धारा के साथ साथ संस्कारधानी के लोगों ने जो संस्कार आज बना के रखा है, जो आज हमें महसूस हो रहा है, दिख भी रहा है हमारे कमलेश भाई ने, वह संस्कार के तहत ही पत्रकारों को एक करने में पूरे प्रदेश में लगे हुए हैं। मैं उनके लिए भी उनके उज्जवल भविष्य को कामना करते और वो अपने सपनों और अपने कामों में सफल हो ऐसी चाहत रखता हूँ। मेरा नाम दिलीप कुर्रे, मैं श्रम रेखा न्यूज़ का एडिटर भी हूँ और भाई से लगातार बना हुआ हूँ, जुड़ा हुआ हूँ। धन्यवाद। हमारे साथ छावड़ा जी भी हैं और मनमोहन भाई भी हैं, मैं साथ में बात करूंगा तीनों के साथ मिलके। मनमोहन भाई और छावड़ा जी से ये बोलना चाहूंगा मैं कि हम लोग आंचलिक पे यहाँ पे काम कर रहे हैं, चुरिया चौकी मोहला मानपुर पे, तो यहाँ पे एक होके काम करने पे जैसे कमलेश भी जो कोशिश कर रहे हैं वो कैसा, आप क्या सोचते हैं और क्या बोलना चाहेंगे? वैसे तो सबसे पहले मैं कमलेश भैया का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा, क्योंकि कमलेश भैया के द्वारा हमेशा शुरू से ही पत्रकारों के लिए एक मुहिम लेकर के काम करते हैं, जितना हो सके पत्रकारों की भलाई में, जितना हो सके पत्रकारों के हित में उनके द्वारा कदम उठाया जाता है। सबसे पहली बात, आज मैं चौकी के आप सभी साथियों को भी धन्यवाद देना चाहूँगा, आपके ही द्वारा एक सोच और पहल में कि राजनांदगांव जिले में भी एक ऐसा संगठन बने जो जैसे कि प्रदेश स्तर पर संगठन रहता है, संगठन में सब अलग अलग संगठन से बिलोंग करते हैं और कई बार स्थिति परिस्थिति ऐसी बन जाती है कि कभी किसी पत्रकार साथी के साथ कुछ अप्रिय घटना घटे या कोई किसी भी प्रकार का, तो हम पत्रकार कई बार ये सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि फलाना पत्रकार जो है उस संगठन से है, फलाना पत्रकार इस संगठन से है, तो हम जाएँ या ना जाएँ।
जी। इस सब चीज़ को देखते हुए मुझे भी ऐसा लगता है और मेरा भी यही मानना है कि राजनांदगांव जिले का एक ऐसा संगठन का उत्पत्ति होना चाहिए और गठन होना चाहिए, ताकि हर पत्रकार किसी भी संगठन में रहे लेकिन जिले के पत्रकार साथी का एक अलग से संगठन हो, और उस संगठन के किसी भी व्यक्ति को, किसी भी पत्रकार को अगर किसी भी प्रकार की दुविधा, असुविधा या फिर किसी भी प्रकार का घटना, दुर्घटना सामना करना पड़े, तो हम सब पत्रकार भाई जिले के वो एक हो करके उनकी लड़ाई लड़े। मनमोहन जी ने अपनी बात रखी। छाबड़ा जी, जिस तरीके से मनमोहन साहब बोल रहे हैं कि हम तो चौकी मोहल्ला मनपुर की बात कर रहे थे, कमलेश भी यहाँ हैं और काफ़ी बड़ी टीम आई है राजनांदगांव से, आपका कैसा सोचना है उस पर? सबसे पहले तो मैं राजनांदगांव से हमारे जो पत्रकार भाई आए हैं मैं उनका स्वागत करता हूँ यहाँ जी। और जो कमलेश भैया द्वारा जो ग्रामीण क्षेत्र के पत्रकारों के लिए कदम उठाया जा रहा है ये बहुत सराहनीय है। और आज तक हम ये देखें कि ग्रामीण क्षेत्र के पत्रकार कई दुविधा फंसे रहते हैं, आवाज़ वहीं तक सीमित हो जाती है, हमारा साथ कोई नहीं देता। लेकिन जो अभी कमलेश भैया जो कदम उठा रहे हैं, और इसमें कमलेश भैया द्वारा ये बताया गया कि आप किसी भी संघ में रहो कोई वो नहीं है, कोई किसी कोई शिकायत नहीं है, लेकिन एक राजनांदगांव जिले में एक महापत्रकार संघ होगा, जिला पत्रकार संघ, उसमें कोई भी संघ का व्यक्ति आके जुड़ सकता है। और कभी भी अगर कोई किसी भी मुसीबत में हो तो कमलेश भैया का कहना यह है कि आधी रात को मुझे कॉल करें, जो मदद हो सकती है मेरे से, किसी भी तरह की मदद हो सकती है, मेरे साथ जुड़ा हुआ व्यक्ति कभी भी नुकसान में नहीं रहेगा और हमेशा मुसीबत में ये संघ साथ देगा। मतलब जो महासंगठन की बात हो रही है उसको आप सहमत हैं? सहमत हूँ और बहुत अच्छी बात है, और मैं लोगों को ये निवेदन भी करता हूँ कि आप इस संघ से जुड़िए और आप कम से कम कुछ नहीं, आप जुड़ के एक बार तो देखिए। और खासकर ग्रामीण क्षेत्र के पत्रकारों से मेरा निवेदन है कि आप इस संघ से जुड़ें और आप खुद देखिएगा कि संघ किस तरीके से आपकी मदद करता है। भैया से बात करना चाहूँगा, भैया जिस तरीके से अपन तो सिन्हा जी, कितना अच्छा माहौल लग रहा है अभी तो यहाँ पे मोंगरा का, ठीक है, आपका वेलकम है, स्वागत है। जिस तरीके से महासंगठन की बात चल रही है उसमें मत चाहूँगा आपसे मैं, और सेकंड ये चाहूँगा कि यहाँ पे कैसा लगा, मतलब किस तरीके से इंजॉयमेंट जो एक माहौल बना हुआ है उसमें क्या बोलेंगे? मोंगरा बैराज में बहुत दिनों के बाद आने का अवसर बना और यहाँ सारे पत्रकार साथियों अम्बागढ़ चौकी के, राजनांदगांव के साथ में आए तो और बहुत अच्छा लगा। और रही बात इनका, अभी अपन जिला स्तर पे महासंघ की बात कर रहे हैं, इसमें मैं चाहूँगा कि ये बहुत अच्छा, मतलब वो है, पहल है, बहुत अच्छी पहल है और ये होनी चाहिए, इससे और हम पत्रकार साथियों को मजबूती मिलेगी और संबल प्राप्त होगा। और साथ में कभी कोई, जैसे मनमोहन भाई ने कहा कि अप्रिय घटना, दुर्घटना कुछ भी हो जाता है, उसमें जो है ना हम सब एक रहेंगे तो बाकी और किसी भी प्रकार से कोई मुसीबत हम लोग में नहीं आएगी। धन्यवाद। हमारे साथ आशीष भैया हैं, हमारे बड़े भैया हैं, लंबे समय साथ में काम किए हैं। आशीष भैया आपका स्वागत है पहली बात तो, दूसरी बात ये है कि आप लोग राजनांदगांव से आए हैं और अपना अनुभव बांटे, ये चीज़ें थी। सेकंड, जिस तरीके से हम लोग आंचलिक स्तर पर जो काम कर रहे हैं, छोटे बैनर पर काम कर रहे हैं, बड़े बैनर पर काम कर रहे हैं, एक टीम बना के काम कर रहे हैं, इस पर क्या बोलेंगे? और मोगरा तो आप देख ही रहे हैं, आप देख रहे होंगे कैमरे के सामने पत्रकार मांग कर रहे हैं, जो लोगों की मांग उठाते हैं और सरकार तक पहुंचाते हैं वो पत्रकार पहली बार कुछ मांग रहे हैं। उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है कि पत्रकार हरदम विपक्ष में रहता है, सत्ता चाहे भाजपा की हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे आप पार्टी की हो, वो सदैव जो पीड़ित रहता है उसकी लड़ाई लड़ता है। जनरली क्या होता है, सत्ता में आने के बाद कोई भी सरकार पीड़ित उसकी किताब से हट जाते हैं। अब मैं बोलूँगा कि आंचलिक पत्रकारों की ज़रूरत क्यों पड़ी, रूरल एरिया और शहरी पत्रकार और ग्रामीण पत्रकार, देश भारत की 90% जनसंख्या ग्रामीण स्तर पर वास करती है, शहरों तक अगर पत्रकारिता सीमित रहेगी तो सिर्फ शहरी व्यक्तियों की समस्याएं मुख्यालय और प्रदेश के पेपरों में और देश के पेपरों में छपेगी। आज इस देश में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि जो छोटे शहर, छोटे गांव में और गांव के अंदर जो पत्रकार काम करते हैं उनकी ज़रूरतों को कोई पूछ नहीं रहा है, ये सबसे बड़ी समस्या मैं महसूस कर रहा हूँ।
और जब तक ग्रामीण लेवल में पत्रकारिता मजबूत नहीं होगी और पत्रकार मजबूत नहीं होगा जी। पत्रकार मजबूत कैसे होगा, जब उसको कुछ सुविधा मिलेगी जी। और पत्रकारिता मजबूत तब होगी जब पत्रकार को जब सुविधा मिलेगी तो अपने आप पत्रकारिता मजबूत होगी जी। और ग्रामीण ही पत्रकार, जैसे बोलते हैं मोदी जी बोलते हैं देश में गाँव, इस देश में गाँव बसता है, तो पत्रकारिता में ग्रामीण पत्रकार ही इस देश की पत्रकारिता को चलाता है। तो ये जो मांग है, पहली बार पत्रकार अगर मांग कर रहे हैं तो इस वीडियो के माध्यम से, तो गलत नहीं कर रहे हैं। और वो आपसे मर्सिडीज गाड़ी या 20 लाख की मेजरो नहीं मांग रहे हैं, वो उनके जीवन में जीने के लिए एक छांव रहे, पानी मिले, उनको खाना मिले, उसका तो पत्रकार से बड़ा शेयर कोई नहीं, ऐसा मेरा कहना। हमारे पास जो टीम आई है आंचलिक स्तर पर, जो टीम आई हुई है, इसमें कोशिश कर रहे, जैसे आशीष भी हैं, कमलेश भी हैं, सिन्हा जी हैं, मनमोहन जी हैं, बड़ी बड़े जो लोग हैं जो बड़े जुड़े हुए हैं, लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं, वो यहाँ पे आए हुए हैं। और उनकी कोशिश ये है कि जितने भी हम जो पत्रकारिता कर रहे हैं, बैनर जो भी हो उसमें जो पत्रकारिता कर रहे हैं, उसमें उनकी कोशिश ये है कि हम साथ में आएँ, हम किसी भी संघ में रहें, किसी भी संगठन में रहें, लेकिन एक महासंघ जिले का बने जो साथ मिलकर काम करे, कोई भी समस्या हो, कोई दुर्घटना घटे, कुछ प्रॉब्लम अगर होती है तो सब साथ में खड़े होकर समाधान निकले। जी जी जी, ग्रामीण क्षेत्र में पत्रकार हैं उनको क्या मुश्किल आ रही है? कोशिश हमारी ये रहती है कि हम जो, जैसे हम न्यूज़ करने के लिए जाते हैं तो लगभग समय होता ये है कि जो अधिकारी जो होते हैं, अब तो नक्सल इलाकों में भी आप लोग हैं जी, जी पूरा नक्सल इलाका है चारों तरफ जी, होता यह है कि हम जब आउट इलाके पे होते हैं तो जाने की जो सुविधाएं होती है उसमें दिक्कत आती है। सेकेंडरी ये होता है कि कम्युनिकेशन गैप हो जाता है हमारा, हम जिस अधिकारी से मिलना चाहते हैं वो अधिकारी बाइट देने से मना कर देते हैं, बोलते हैं कि हमको अथॉरिटी नहीं है बाइट देने की, आप जिला मुख्यालय से बात करें ऐसा करके। अगर वो सपोर्ट हमको जिले से मिल पाएगा तो एक बेहतर हो पाएगा हम लोगों के लिए। आपको क्या लगता है ग्रामीण पत्रकारिता की थोड़ी मुश्किल क्या है? वो ग्रामीण पत्रकारिता का मुश्किल ये है भैया कि कभी कभी क्या होता है कि हमको हमारा सेंसिटिव इलाका है, छुरिया में हम लोग रहते हैं और अंदर जंगल में जो है ना बहुत तो सेंसिटिव जगह होती है, तो ये कम से कम हम लोग की सुरक्षा के लिए एक बीमा वीमा वाला भी ऐसे भी कोई सरकार करे तो उसमें भी हम लोग को अच्छा लगेगा, हमारे परिवार सेफ हो जाएंगे। जान लगाते ही हैं जी, कहीं ऐसा ना हो लेकिन कभी धोखे धकाड़े हो जाए तो उस पत्रकार को अगर सुरक्षा मिलेगी तो ईमानदार पत्रकार और अच्छा से काम करेंगे कि उनके जाने के बाद उनके पीछे कोई है। आपका क्या कहना है? मेरा तो ये मानना है कि ग्रामीण पत्रकारिता में चुनौतियां बहुत सारी हैं। होता क्या है कि ग्रामीण पत्रकार जो होते हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप को कभी कभी अछूता महसूस करने लग जाता है कि हम पत्रकार हैं या नहीं हैं, इसलिए क्योंकि बहुत सारी समस्या तो मैं उन मतलब हमारे पत्रकार साथियों को जो जो ब्यूरो चीफ है, संपादक है, सह संपादक है, उनकी सपोर्ट कई बार हम ग्रामीण पत्रकारों को नहीं मिल पाता है, ये सबसे बड़ा समस्या है। कारण यही है कि कभी मान लो किसी चीज़ को अपन फेस कर रहे हैं, किसी चीज़ को अपन उठा रहे हैं या मतलब उजागर कर रहे हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि जो जिसके खिलाफ हम लिख रहे हैं वो डायरेक्ट मतलब हमारे ऊपर वाले से बात करके उस चीज़ को ब्रेक करवा देते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। इससे आत्मसम्मान भी मतलब ऐसा लगता है कि हमारा तो कोई अस्तित्व नहीं है, हम पत्रकार है ही नहीं। तो मैं निवेदन करना चाहूँगा ब्यूरो लोगों को और हमारे संपादक सह संपादक महोदय को, क्योंकि उनके द्वारा ऐसा कभी ना करें, क्योंकि ग्रामीण का जो पत्रकार होता है हमारे से ही आपका उस प्लेटफॉर्म का जिसमें हम काम करते हैं उसका नाम और रोशन करने वाला अगर होते हैं तो हम ही लोग होते हैं। चूंकि भैया हम जीरो ग्राउंड में होते हैं, ग्राउंड जीरो में होते हैं, हम चीज़ें को निकाल के हम बाहर ला रहे होते हैं कि जो आंकड़े हों या जो फोटोज हैं, जो वीडियोज हैं, उस मटेरियल को हम लेके आते हैं पहले आप लोग जी, उसको हम लेके आते हैं, उसको हम ऊपर फॉरवर्ड करते हैं। फॉरवर्ड करने के बाद होता है कि अगर वहां से वो चीज रुक जाएगी तो चीजें क्या होता है कि फिर इशू ये बनता है कि ये जो पत्रकार है शायद ये सेट हो गया या ऐसा कुछ बात होती है, इससे प्रश्न बहुत सारे खड़े होते हैं, तो एक सपोर्ट चाहिए रहेगा ऊपर से तो हम जो बेहतर काम कर पाएंगे। इसलिए मैं बोलता हूँ पत्रकारिता एक व्यवसाय नहीं ना नौकरी है, एक जुनून है, और पत्रकारों के जीवन जीने के लिए अगर कुछ सुविधा अगर सरकार या कोई संगठन प्रदान करता है तो आपके लिए, जनता के लिए और देश के लिए सिर्फ एक फायदा है, उसके अलावा कुछ नहीं। थैंक यू।
हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे YouTube लिंक में जाकर खबर देखते रहे। प्रेस लागत स्वतंत्र करने के लिए हमारे Amazon और e-business रेफरेंस लिंक से Amazon प्रोडक्ट एक्स्ट्रा डिस्काउंट में खरीदें, जिससे हम बिना नेता अधिकारी की मदद से हम प्रेस लागत निकाल सके और आपको स्वतंत्र और सच्ची खबरें दिखा सके। जनता हमारी प्रेस के साथ अपने अधिकार RTI और कानून की लड़ाई लड़े। पब्लिक प्रेस पार्टनर न्यूज प्रिंट मीडिया और डिजिटल मीडिया के साथ आए। हमने मीडिया लागत को आपके उपभोग से जोड़ा है। जनता पब्लिक प्रेस पार्टनर न्यूज में खबरों और मीडिया e-business में पार्टनर बने, हमारे साथ व्यापार करें। publicpresspartner.com लिंक में जाकर अपनी आसपास की समस्याओं को सीधे खबर बनाएं, हमें कॉल करें। हम पब्लिक प्रेस पार्टनर कॉन्सेप्ट के बिना हम और आप भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई नहीं लड़ सकते। पब्लिक प्रेस पार्टनर न्यूज में जनता भागीदार बने, सिर्फ कॉल करें 9300007662। हमारे व्हाट्सएप 9200003100 ब्रॉडकास्ट से जुड़े और अमेजॉन सेल में पार्टनर बने। हमारे सभी व्हाट्सएप ज्वाइन करें, व्यापार में पार्टनर बने। आप हमारे साथ पत्रकारिता भी कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज पब्लिक प्रेस पार्टनर फॉलो करें। पब्लिक प्रेस पार्टनर न्यूज से देवाशीष।